हेलो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग HTML एडिटर के बारे में सीखेंगे दोस्तों कि HTML एडिटर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो HTML एडिटर होते हैं दोस्तों, उसमें HTML की जो लैंग्वेज है, जो कोड हैं, जो टैग्स हैं, वो लिखे जाते हैं। राइट HTML लैंग्वेज यूजिंग नोटपैड एडिटर। HTML जो लैंग्वेज है उसको लिखने के लिए हम लोग नोटपैड एडिटर यूज़ करते हैं। नोटपैड एडिटर बिल्कुल ही सिंपल एडिटर है दोस्तों। HTML को राइट करने के लिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ एडिटर लिखे भी हैं जो आप देख सकते हो। तो अभी हम HTML को सिंपली लर्न कर रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं, तो हम सिंपल नोटपैड एडिटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने यही बात लिखी है, वेब पेज कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर। वेब पेज को बनाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए काफ़ी प्रोफेशनल HTML एडिटर यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। बट फॉर लर्निंग HTML को सीखने के लिए वी रिकमेंडेड ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। HTML को अगर हमने सीखना है तो हमें सिंपल एक नोटपैड एडिटर यूज़ करना होगा, ठीक है, सीखने के लिए। दिस एडिटर इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन एनी कंप्यूटर और लैपटॉप। जो ये नोटपैड एडिटर है दोस्तों, वो सिंपली हर एक कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, ठीक है। वी यूजिंग ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर टू लर्न HTML। हम लोग एक सिंपल एडिटर यूज़ करने के लिए करेंगे HTML को सीखने के लिए। दिस इज़ ए सिंपल, गुड एंड ईजी वे। ये क्या है, एक सिंपल है, गुड वे है और बहुत ही ईजी वे है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप प्रोफेशनल हो तो इन एडिटर का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो अभी HTML को, तो आप नोटपैड एडिटर ही यूज़ करें, क्योंकि आपने अभी सीखना शुरू किया है, ठीक है। तो अभी हम HTML में जो HTML की कोडिंग है उसको नोटपैड एडिटर में करके देखते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले से एक कोडिंग टाइप करके रखी है, ठीक है, इसको हम नोटपैड में लेकर जाते हैं और देखते हैं कि कैसे यूज़ होती है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे स्टार्ट, उसके बाद जाएंगे ऑल प्रोग्राम और यहाँ पे जाएंगे एक्सेसरी और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है नोटपैड, ठीक है। नोटपैड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो कॉपी किया डाटा पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पर हमने पेज का टाइटल दे दिया, ठीक है। जैसे सिर्फ आपको एडिटर के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। एडिटर में कोडिंग कैसे होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। हमारी आने वाली वीडियोस में सारा ये क्लियर होगा कि आप इसकी कोडिंग कैसे कर सकते हो, ठीक, किन किन कोड्स को किस किस तरह यूज़ कर सकते हो। अभी सिंपल हम एडिटर को देख रहे हैं, ठीक है, कौन सा एडिटर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम नोटपैड एडिटर यूज़ कर रहे हैं, फाइल वगैरह कैसे सेव होगी इसमें, ये सारा कुछ सीखेंगे अभी। जब हमने यहाँ पे कोड को टाइप कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना फाइल पे, फाइल पे जाने के बाद हमें जाना सेव पर और यहाँ पर हमने एक फाइल सेव कर ली है, ठीक है। कोई भी फाइल का नेम दे देना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सिंपल इसी तरह नेम देंगे और सेव करेंगे फाइल को, यहाँ मैं डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ, यहाँ पर सेव करूँ तो ये नोटपैड एडिटर की फाइल बन जाएगी। सेव, ये देखिए, इसे मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है, ये नोटपैड की फाइल बन चुकी। अगर आप इसको यहाँ पर आएंगे सेव एज पर, वेलकम के साथ आपको एक एक्सटेंशन देना होगा, ठीक है, जैसे वेलकम डॉट HTML। जब आप लोग वेलकम के साथ, नेम के साथ एक एक्सटेंशन दोगे .html, तो वो फाइल सेव होगी आपकी ब्राउज़र की शेप में। ये सेव पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए, तो फाइल इस तरह सेव होगी ब्राउज़र की शेप में,
ये आपकी HTML की कोडिंग को शो करेगा, ठीक है। मीन्स आपने जो कोड किया है उस कोडिंग को किस तरह प्रेजेंट करेगा। हमने ये इसमें कोडिंग की है, जो मैंने टाइटल दिया था, ये देखिए टाइटल दिया था मैंने वेलकम ऑन माय फर्स्ट पेज, ये टाइटल था, वो टाइटल यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, वेलकम ऑन माय फर्स्ट पेज। उसके बाद जो मैंने बॉडी के अंदर लिखा है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना कि बॉडी क्या है, ठीक है, HTML क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करें। आपको सिंपली ये देखना कि एडिटर में जो मैंने टाइप किया वो कहाँ किस तरह शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो H1 टैग दिया है, ये लिखा था मैंने दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ दूसरी लाइन थी वो यहाँ पे शो हो रही है, और जो ये लाइन थी पैराग्राफ वाली वो यहाँ शो हो रही है, ठीक है। इस तरह आप सिंपली इस एडिटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी कोडिंग थी, तो इस तरह आप HTML को सीखने के लिए सिंपल नोटपैड एडिटर यूज़ करके आप HTML लैंग्वेज को सीख सकते हो। सो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर दोस्तों।